बेटा जो है फिर ऐसे हिलाते रहे, ऐसे हिलाते रहे। झंडा कहाँ है? लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ट्रेडिशन बनाया जा सकता है जहाँ पर टीचर्स थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इस चीज को बहुत परफेक्टली बनाया जा सके कि एक रैंडम क्राउड है और रैंडम क्राउड को जो है कि कमांड दी जाए और वो सारे बच्चे एक कोई एक शेप कोई एक मैप बना पाए और इसमें अगर कलर कॉम्बिनेशन हो जाए और उसमें अगर तिरंगा बनाया जाए तो वो सोने पर सुहागा होगा। मुझे लगता है आज का दिन बहुत ही अच्छा लगा सब लोगों को देखिए कि इतने तरीके से तरतीब से सब लोग बैठे हुए थे और टीचर्स ने भी काफ़ी मेहनत की है इसमें और आने वाले जो तीन चार दिन हैं इसमें ऐसी एक्टिविटीज जो है वो और भी बढ़ेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जो तिरंगा है अपना हमारी पहचान है हमारा नेशनल ऑनर है इसकी आन बान शान बनाए रखेंगे और हर एक्टिविटी में वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे हर चीज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और साथ साथ मीडिया के मेरे साथी जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों से आए थे यहाँ पे इस तिरंगा रैली को रिले करने के लिए कि हम एक हैं और हम दिखा सकते हैं कि हम यूनाइटेड हैं और इस देश को आगे चलाने के लिए जो हमने तिरंगा हाथ में उठाया है उसको
कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। आज हर एक के हाथ में तिरंगा है, उसका एक मतलब है कि हम खुशी से 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं और 13, 14 और 15 हर हर ऑफिस में ये लहरेगा और 15 के दिन जितने भी प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं वो हर एक सुकून ठीक था ठीक तरीके से कर लेगा। आज मैं तमाम स्पार टीचर से ये रिक्वेस्ट करूँ कि ये जो फ्लैग है इसकी कदर करते हुए इसकी शान में इसके आनंद में किस तरह से हमें फोल्ड करना है, किस तरह से माते बच्चों के हवाले करना है, किस तरह से ये रखना है, उनको पूरी तरह से सिखाएंगे ताकि कहीं इसके खुदा नखास्ता कोई गलत इस्तेमाल ना हो। तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस दिन को मनाने के लिए इसी तिरंगा रैली में शिरकत की, क्या कहना चाहेंगे जी? आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से ये तिरंगा हर घर तिरंगे की तैयारी चल रही है और उसी सिलसिले में हमारे बच्चों ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ का ली और हर स्कूल में तकरीबन मेरे जो 2402 स्कूल्स हैं हर स्कूल में एक्टिविटी हो गई और कम से कम हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे बच्चों ने इसमें शिरकत की। तकरीबन 2 लाख 2.25 लाख बच्चा हमारे स्कूलों में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में तकरीबन हर एक स्कूल में हमारी एक्टिविटी हुई और ये जारी रहेगी बराबर 15 अगस्त तक। और आज भी आपने देखा कि उसकी एक कड़ी थी कि 22 हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला के अंदर कम से कम 5-6 हज़ार बच्चों ने शिरकत की और आपने देखा होगा कि कितना जोश खरोश से ये बच्चे अपने स्कॉट टीचर्स के लोकर लेकर चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे या प्राइवेट स्कूल के अपने फ्लैग को लेकर के यहाँ आए हुए थे और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सबों को हमने यहाँ पर बुलाया था और बहुत सारे महकमे जात भी थे ताकि हम इसको एक ग्रैंड रैली दिखाएं कि हमारे जो बच्चे हाउ मच दे आर हैप्पी कि इस झंडे को लहराने के लिए वो कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और उसकी कड़ी में आज उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि नहीं हर एक बच्चा जो है वो तैयार है आने वाले दिन के लिए कि हम किस तरह से उसको मनाएंगे और हर घर तिरंगा जो है उस मुहिम को हम कामयाब बना देंगे। थैंक यू सर।